नमस्कार, मैं सुमंत कश्यप अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो न्यूमरोलॉजी पर आधारित है। न्यूमरोलॉजी में लोसू ग्रिड में एक कॉम्बिनेशन होता है, गोल्डन एरो ऑफ मनी, गोल्डन एरो ऑफ वेल्थ, 4, 5, 6 का। 4, 5, 6 को काफ़ी अच्छा माना जाता है, एक तरह से राजयोग माना जाता है। कुंडली में जैसे राजयोग होते हैं, गजकेसरी योग होते हैं, बुधादित्य योग होते हैं, वैसे ही यह एक प्रकार का राजयोग होता है। आइए हम इस पे चर्चा करते हैं। हमने एक बर्थ डिटेल्स लिया, 13 जून 1995। उस बर्थ डिटेल्स के आधार पर हमने इस लोसो ग्रिड को भर दिया। लोसो ग्रिड को भरने के बाद आप देखेंगे 4, 5, 6 का एक कॉम्बिनेशन इसमें आ जा रहा है। सबसे ऊपर में 4 है लेफ्ट तरफ, बीच में 5 है और सबसे नीचे राइट तरफ 6 है, 4, 5, 6। ये 4, 5, 6 का कॉम्बिनेशन जब बर्थ डिटेल्स में आता है तो वह जातक काफ़ी ज़्यादा नेम, फेम और वेल्थ वाला, गेंस वाला होता है। बहुत ही अच्छा इसे माना जाता है। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि कहीं आपके भी बर्थ डिटेल्स में हो, या 13 जून 1995 को बहुत से लोगों का जन्म हुआ हो, तो क्या सबको ऐसा मिलता है? सिंपली जो मेरे दोस्त एस्ट्रोलॉजी बैकग्राउंड से हैं उनको पता होगा, कोई भी योग जैसे गजकेसरी योग होता है चंद्रमा और गुरु का, बुध आदित्य योग होता है बुध और सूर्य का, आधे कुंडलियों में आपको मिल जाएंगे। लेकिन क्या सब में वो योग फलीभूत होता है? नहीं होता है। कहीं ना कहीं इस योग के फलीभूत होने के पीछे भी कुछ और कारण मौजूद होते हैं। सबसे पहला कारण क्या है? आपका नाम। आपका नाम आपके बर्थ डिटेल्स के अकॉर्डिंग सूटेबल नंबर पर होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, आपके द्वारा यूज़ किया हुआ मोबाइल नंबर, यानी जो भी नंबर्स के आप कांटेक्ट में हैं, मोबाइल नंबर, व्हीकल नंबर, हाउस नंबर, वो सभी नंबर आपके बर्थ डिटेल्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए। मेरा इस रूल्स को बताने के पीछे रीज़न एकमात्र यही है कि यदि आपके बर्थ डिटेल्स में ये कॉम्बिनेशन है तो थोड़ी सी सुधार के बाद आप इसके मैक्सिमम गेंस को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? अपने बर्थ डिटेल्स के अकॉर्डिंग अपने नाम के स्पेलिंग को लाकर, अपने मोबाइल नंबर को, अपने हाउस नंबर को, यदि भविष्य में आप जो आप घर खरीदेंगे उसकी नंबर, या फ्यूचर में आप जो गाड़ी खरीदेंगे यदि उसका नंबर लेना पॉसिबल हो, चॉइस नंबर, तो उन सब को अपने बर्थ डिटेल्स के अकॉर्डिंग करें और फिर इस राजयोग का बेनिफिट उठाएँ। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनके बर्थ डिटेल्स में इन तीन नंबर्स में कोई एक नंबर मिसिंग होगा, यानी दो नंबर होगा, जैसे 4 या 5 हो सकता है, 6 नहीं हो सकता है, 4 या 6 होगा, 5 नहीं होगा। तो वैसी स्थिति में जो नंबर मिसिंग है उसका रेमेडी करके भी आप इसके बेनिफिट को उठा सकते हैं। उतना बेनिफिट तो आपको नहीं मिलेगा जितना नेचुरली ये नंबर आपके लोसु ग्रिड में हो तब, लेकिन फिर भी बहुत से बेनिफिट आपको मिल सकते हैं। यदि मिसिंग नंबर आपके बर्थ डिटेल्स के अनुकूल है तो आप अपने नाम को उस नंबर पर लाकर भी इसके फायदे को उठा सकते हैं। नंबर्स हैव अमेजिंग एनर्जीज एंड अमेजिंग पावर, सिर्फ ज़रूरत है उसको यूज करने की। आप किसी भी ब्रांच ऑफ एस्ट्रोलॉजी से प्रैक्टिस करते हो उससे कोई मतलब नहीं है, आप भी नंबर्स को यूज करें, इसके फायदे को लेकें। अल्टीमेटली यदि आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो आपका भी ये एम है कि आपके क्लाइंट को रिजल्ट मिले, और यदि आप क्लाइंट हैं, आप एज ए व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो किसी प्रकार से आपको लाभ मिले, ये आपका भी मोटिव है और मेरा भी मोटिव है। बने रहिए, फिर मिलते हैं कुछ और वीडियोज़ के साथ। नमस्कार।